विश्वविद्यालय में आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। बुधवार को भी माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब विश्वविद्यालय के निर्देशों की अवहेलना करते हुए एसएफआई के कुछ कार्यकर्ता कैंपस में संगठन का बैज लगाकर घुस गए। जब छात्रों को रोकने का प्रयास किया गया तो छात्रों ने पुलिस के साथ ही बहसबाजी शुरू कर दी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस में किसी भी छात्र संगठन का बैच लगाने पर रोक लगाई है, लेकिन बुधवार को एसएफआई के कुछ छात्र बैच लगाकर कैंपस में घुस गए और जब पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया तो उस वक्त छात्रों और पुलिस के बीच बहसबाजी हो गई, जिस पर पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर बालूगंज थाने लाया। इस कार्रवाई से एक बार फिर से माहौल तनावपूर्ण हो गया। अपने साथियों की गिरफ्तारी से गुस्साए अन्य एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने बालूगंज थाने का घेराव किया। एसएफआई के सह सचिव दिनीत थांटा ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही रवैया अपना रहा है। उन्होंने कहा कि बैच लगाने से माहौल खराब नहीं होता है, ये छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है और इसे विश्वविद्यालय नहीं छीन सकता है। आज विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो है पिछले चार दिन पहले एक नोटिफिकेशन आई गई थी कि कैंपस के अंदर जो बैजेस नहीं लगाए जाएंगे, इससे जो है तनावपूर्ण माहौल बनता है, इस तरह का कुछ विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना। तो पिछले कल मीटिंग बैठक हुई और हमने अपनी बात वहाँ पर क्लियर रखी कि पिछले जो काफ़ी दिनों से जो है कैंपस के अंदर माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है और बैज लगाने से किसी तरह का जो है तनाव कैंपस के अंदर नहीं होता है, हमारा बिल्कुल मानना इस बात पर क्लियर था। तो उसी को बात को लेकर आज सुबह जो है जब हमारे लोग एसएफआई के लोगों ने बैज लगाए थे तो कुछ पुलिस के लोगों के साथ कुछ बातचीत हो रही थी, उसी बीच थोड़ा सा कुछ बहसबाजी वहाँ पर हो गई थी। परंतु हम इस बात को यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि कैंपस के अंदर माहौल जो है शांतिपूर्ण हो। आप देखेंगे कि एक तरफा कार्रवाई लगातार प्रशासन द्वारा की जा रही है, दूसरी तरफ अभी पिछले कल एक मुद्दा हमने जो है रजिस्ट्रार के महोदय के सामने उठाया था कि एमसीए के अंदर जो है इलीगल तरह की जो है पीएचडी के अंदर एक एडमिशन होती है, आउटसोर्स का मुद्दा जो उस पर यूनिवर्सिटी अथॉरिटी पूरी तरह से घिरी हुई है। इस तरह के बहुत सारे जो काले कारनामे विश्वविद्यालय प्रशासन के है, विश्वविद्यालय प्रशासन जानता है कि अगर कैंपस का माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा तो ये जो एसएफआई के लोग हैं या एसएफआई जो संगठन है उनके मामलों को जो है उजागर करेगा, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि कैंपस के अंदर शांतिपूर्ण माहौल हो, इसलिए तरह के जो है क्या नाम तुगलकी फरमान विश्वविद्यालय प्रशासन जारी कर रहा है। हमारा मानना है कि कैंपस के अंदर जो है बैजेज लगाना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उसे हमें हमसे कोई नहीं छीन सकता है और अपने बैजेज हम लगाएंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन अगर का रवैया यही रहता है तो उसके खिलाफ जो मोर्चा आने वाले टाइम में खोला जाए। वहीं डीएसपी सुरेश चौहान ने कहा कि गत दिनों विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी छात्र संगठनों के साथ बैठक की थी जिसमें निर्देश दिए गए थे कि कोई भी संगठन का बैच लगाकर कैंपस में ना आए, लेकिन एसएफआई के छात्रों ने इसकी अवहेलना की है और कुछ छात्र बैच लगाकर कैंपस में घुस रहे थे और पुलिस ने जब इन्हें रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने पुलिस के साथ बहसबाजी की। यूनिवर्सिटी में दरअसल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इंस्ट्रक्शन जारी की है कि कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन का बैज लगा के यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा। उसमें एसएफआई, एबीयूपी और एनएसयूआई के साथ बैठक हुई थी, उसमें ये बात जो है उनके साथ डिस्कस की गई थी और उनको ये कहा गया था कि आप यूनिवर्सिटी का बैज लगाएंगे और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का बैज यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं लगाएंगे। तो दो तीन दिन तक इन्होंने इस चीज़ का जो है पालन किया, लेकिन आज एसएफआई के लड़के ज़बरदस्ती जो है हमारे रोकने के बावजूद वो बैज लगाकर अंदर चले गए। तो जिस तरह का हमें आदेश था कि अगर जो भी कोई इंस्ट्रक्शंस को वॉयलेट करता है तो उसके हमने नाम नोट करके एडमिनिस्ट्रेशन को देने थे और एडमिनिस्ट्रेशन उनके ऊपर एक्शन लेना था, तो हम उस सिलसिले में जो है लोगों के नाम नोट कर रहे थे। उसमें एक स्टूडेंट लीडर विक्रम कायत जो कि यूनिवर्सिटी से निष्कासित है, वो आगे जो है बहस करने लग गया और कि भाई तो हमने उसको पहले तो हमने उसको समझाया कि भाई ये यूनिवर्सिटी के क्वार्टर्स हैं, तो वो काफ़ी उसने बदतमीजी करनी शुरू कर दी, अभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और लगभग जो है झगड़ा करना शुरू कर दिया अपने साथ। तो उसके बाद जो है फिर हमने थाना के बारे में शिकायत दर्ज हुई है और उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।